जय बिग बॉस, जय बिग बॉस। अरे क्या कीचड़ में फोटो लोगे? इधर इधर फोटो लोगे? कीचड़ में कमल खिला, कमल खिला। ताकि ये सही, ये सही। ये क्या नए लोग आ गए क्या? हाँ यू। न्यू रिक्रूटमेंट। बस बस बस। Okay. Rocky is back. My son is back. बहुत बड़े स्पीकर मुनव्वर को ब्रदर करके डालते हैं, मुझे नहीं डालते। हाँ तो है ब्रदर, मुनव्वर तो है ही। अच्छा नहीं, तुम ही ब्रदर ही हो। रामा पुप्पू पापा पीपी पुप्पू मत बचाओ। ए, मेरे हाथे अन्य चले लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपके इधर ट्रैफिक नहीं जी, पहले इसको देख लीजिए। आप जा रहे हो ना बिग बॉस में? आप दोनों अपने गुलाब जामुन ले। हाँ फिर उनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, उनको देंगे नहीं। फिर राखी जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गाना दोनों का सुपर डुपर डुपर हिट हो चुका है। क्या कहना चाहोगे? इतना प्यार आदिल भाई को मिल रहा है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ बता दीजिए। लोग काफी रील्स। थैंक यू टू द जनता एंड राखी एंड एवरीबॉडी। गाना सुपर हिट हो गया है, ट्रेंडिंग में है। क्या आदिल इज डूइंग वेरी बिग फिल्म्स, ट्रूथफुल फिल्म्स। तो मैं देखना चाह रही थी कि वो कैसे एक्टिंग कर सकते कि नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया। बट वो बहुत सच्ची में, और गाना हमारा ट्रेंडिंग 8 में पहुंच गया है। ट्रेंडिंग 8 में, वाओ। क्या रिस्पांस आपको मिले? लोग काफी पसंद कर रहे हैं आप दोनों को। यार ऑर्गेनिक 12 मिलियन बहुत होते हैं। यस, 12 मिलियन, साढ़े बारह, साढ़े बारह हो गए क्या जी? वाह, फिर से कब आएगा गाना? लोग वेट कर रहे राखी। अब तुम कबर में ही डाल दो, अभी तो एक गाना रिलीज नहीं हुआ कि मतलब फिर से कब आएगा। ऑफर बहुत है आदिल और मुझे, बट आई वॉन्ट टू डू वेरी सिलेक्टेड। अभी तो ये गाना था तू मेरे दिल में रहने के लायक, अभी रहने में रहने के लायक हूँ एक गाना चाहिए। हाँ। रोमांटिक नंबर। अब तू मेरे दिल में बहने क्या बसने के लायक है, बसने के लायक है, बहने के लायक है। बहन, सॉरी आई थॉट बहन कुछ बोल रहा। तुम मुझे बहन बोल रहे हो? नहीं, आई थॉट ऐसा कुछ बोल रही। वो मालूम है ना, बह बह बैं। राखी जी इसके अलावा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हुई थी, सलमान भाई काफी अच्छे लग रहे थे, आप कुछ बताना चाहोगे? मेरा सलमान भाई तो हॉट लगता है, हमेशा हॉट है। मेरा सलमान भाई तो हमेशा हॉट लगता है, हॉट है, हॉट हॉट। क्या कपड़े पहनता है, क्या स्टाइल है। अब लोगों का वेट है कि राखी और आदिल फिर से आए हैं, राखी जी फिर से दिखे और आदिल भाई पहली बार दिखे बिग बॉस के घर पे, कुछ बता दीजिए। यार हम लोग अंदर दिखे तो बहुत लड़ेंगे यार, रोमांस करेंगे कि लड़ेंगे मालूम नहीं। बाहर है तो हम लोग थोड़ा एकदम शांत। मैं झगड़ा करूंगा क्या? मैं झगड़ा लूं? नंबर वन खिताब देती हूं मैं तुम्हें। और राखी जी इसके अलावा काफी चर्चा हो रही है बीच में, मैं एक देख रहा था हेमा मालिनी जी को मथुरा में किसी ने पूछा था कि सांसन के लिए उसने आपका नाम लिया। क्यों मेरा नाम लिया? आपने देखा उस हेमा मालिनी जी ने? हेमा मालिनी जी ने आपका नाम लिया राखी। अगर मुझे इस देश का एमपी बनाया जाए, यू नो, कहीं का भी, तो मैं हेमा मालिनी जी के गोरे गालो, गोरे गोरे गालो जैसे, हेमा मालिनी जी के गोरी गोरी कमर जैसे रोड बना दूंगी। जब इतने सुंदर, जितनी सुंदर वो ड्रीम गर्ल है वैसे ही सड़कें बना दूंगी। वैसे हमारे हिंदुस्तान में हर सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और उन गड्ढों को मैं हेमा मालिनी जी के सुंदरता जैसे, यू नो, उनका फेस, उनकी बॉडी, उनकी कमर, आय हाय, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा राखी सीएम बने, इटली सीएम बने, एमपी बने, कुछ बने। हाँ सीएम, अगर मैं इस देश की, मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती पापा? तुम लोग मजाक में मत लो। जब मोदी जी चाय बनाते बनाते पीएम बन गए, तो मैं बैठे बैठे लेटे लेटे
हंसते हंसते सीएम क्यों नहीं बन सकती भैया भैया अरे इतनी हॉट सीएम वाव जहाँ से भी निकल गई सब पीएम सीएम सब लोग एकदम उलाला हो जाएंगे। आदिल भाई आपका रिएक्शन क्या होगा, इतनी सीएम बन गए काफी चर्चा होगी बाजार में, आपका रिएक्शन? मैं दुबई में था, राखी ने बोला एक वीडियो शूट करो मेरे लिए, मैं वीडियो लेके खड़ा हुआ। उसके बाद राखी बोल रही है मुझे मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने मुझे न्योता दिया था, मुझे पता ही नहीं है न्यूज। उसके बाद ये बता रही है कि मैं बनने वाली हूँ। एक्चुअली इनवाइट किया था, 24 में मेरा चुनाव होने वाला है, मेरा नाम पर्चे में है। एक्चुअली हमें अलाउड नहीं होता कि जल्दी बोले, माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ही ये अनाउंस करते हैं कि इस बार 24 में चुनाव कौन लड़ेगा। तो मुझे ऑफर है, लेकिन हमारी हेमा जी जो है, आई लव हेमा जी, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल जी ने थोड़ा सा जल्दी बता दिया, मोदी जी को मौका नहीं मिला। मोदी जी के अगेंस्ट रहोगे कि मोदी जी के साथ रहोगे? क्या साथ साथ, मतलब बीजेपी में रहोगे या फिर अलग कोई अपनी पार्टी? मेरे दोस्त मोदी जी गृह मंत्री बदलना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी मुझे जल्द से जल्द गृह मंत्री बना दें। क्या बात है, डन। थैंक यू सो मच राखी जी, एंड जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, अभी फोटो लेते हैं। फोटो आए उल्टा इधर 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 खड़े हैं। थैंक यू, इधर आ जाइए, आप फोटो ले लीजिए। किसकी भाभी? मेरे को बोल रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा वो भाभी। नहीं नहीं, आ आ भाभी, आ जा आ जा भाभी, आ जा। अच्छी निकाली है, मेरे को नहीं। आ जा भाभी। मैम सर एक पिक ले सकते हैं? एक पिक मैम? नहीं। हाँ हाँ हाँ, कौन सा? अब्दुल, अब्दुल ना, हाँ अब्दुल रजाक। हम लोग दुबई अबू धाबी गए थे। ठीक है भाई, नहीं अच्छी आई है मैम। अरे तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? मैं कुछ सिमरन जिले अपनी जिंदगी ट्रेन छूटी जा रहा है, छोड़ के आई। अच्छा अच्छा, चलो ले लो। थैंक यू। हाँ अब्दुल रजाक जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। अब मुझे नहीं पता जा रहा है कि नहीं, पक्का कंफर्म जा रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बाप रे बेचारे। अच्छा वो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पीछे पीछे जाओ। थैंक यू, बहुत धमाका होगा। लड़कियों आप बीच में मत आइए, फिर आपने दे दे फोटो दे दो। क्या कर रहे हो? चलो यार, कोई बोलने देता नहीं है। अरे मैम आपके साथ पहले फोटो हम लोग जाए, अब बोलिए। राखी जी आप जाओगे? आप दोनों जानना, आप दोनों। आदिल भाई जाना चाहिए, फर्स्ट टाइम बिग बॉस। आदिल भाई इस बार का बहुत अच्छा है बिग बॉस, नो रील्स नो रूल्स बेबी, नो रूल्स, कुछ भी करेंगे अंदर बेबी, नो रूल्स। मतलब कंफर्म है? यहाँ क्यों कर रही है? राखी जी कंफर्म हो चुका है, आपने अब भी बोला है मजा करेगी अंदर, कंफर्म हो चुका है आप लोग जा रहे हो। अरे हम तो हम ही बोल रहे हैं, हमको थोड़ी कोई इन्विटेशन है। बट आपने अब भी कहा नो रूल्स, मजा करेंगे। खाली पुलाव पका रहे, वो तो आपका घर है, कभी जाओ कभी आओ। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है मेरा घर। सलमान भाई आपके भाई है राखी जी। तो सर देखो, जब उनको लगेगा कि राखी की जरूरत है तो राखी और आदिल पहुंच जाएंगे। फिर टाटा 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 टाटा, ये कैसे म्यूजिक है? सांप बुलाने की? सांप नहीं राखी जी, अजगर बुलाने की। राखी जी इसका सवाल है, राखी जी इसका सवाल है, इस बार बिग बॉस के घर में शादी होगा? उनको क्या मालूम, शहनाई बजेगी इस बार बिग बॉस के घर। देखो बैंड बजेगी वो पक्का है, बिग बॉस के घर में शहनाई बजे ना बजे, आई डोंट नो। बैंड किसका बजेगा? बारात भी है, सब कुछ होगा, बैंड बाजा बारात सब बजेगा। मैंने मारा, दे दो।
हो गया। पता है कितने दिनों के बाद मैं आज आ रही हूँ, मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया। एक महीने के बाद आ रही हूँ मैं आज, अभी टांके भी नहीं निकले। क्या बात, एक महीने के बाद। अब रोज आ रही हूँ, रोज आ रही हूँ, कल से इधर ही कल से अलग अलग करेंगे। ए पहले तो गुटका खाना बंद कर, गुटका खाना बंद कर। क्या बात है, गुटका मत खा, कैंसर कितना बढ़ रहा है। गुटका खा रहा है, हमारी नेता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नेता होनी चाहिए। देखो अगर मैं सीएम बन गई पवित्रम, अगर मैं इस देश की, हाँ अगर मैं इस देश की सीएम बन गई, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जितने भी इस देश में जेलों में कैदी हैं सबको छुड़वा दूंगा। अरे हमारी नेता कैसी हो, राखी सावंत कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, राखी सावंत कैसी हो। इनोसेंट है देश में, इनोसेंट कैदी, वो कैदी जो है वो बेचारे उनके ट्रायल पे ट्रायल हो रहे हैं, उनके घर संसार में नहीं, नहीं, उनके मैं मैं एक सेकंड के लिए डर गया, सिद्धू मूसा वाले को सब मार के गए, इसको भी कहां छुड़ा देंगे दोबारा। उनको नहीं ना, इनोसेंट कैदियों, इनोसेंट कैदियों को, ए भाई उनको नहीं छोड़ना है। उनको नहीं, आई लव माय ब्रदर, आई लव माय ब्रदर, उनको तो मैं कभी ना छोड़ू। जस्टिस फॉर सिद्धू भाई, यस। चलो आज के लिए तुम बोल रहे आगे खड़ा रहने के, साला चौथा गेट डाल के आगे सबसे। वो लाल बैग चाहिए उसी से, करो करो करो, बंद क्यों करिए सर, सर तो रहो इधर। पटेल भाई हटो यार, आप हमारा भी तुम ले रहे हो यार। ए मोबाइल लेके रखा हुआ है, उसमें काड़ी डाला नहीं है, काड़ी नहीं है मोबाइल में उसकी। पापा चलो चलो, कल मिलते हैं यहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, कल यहीं पे इसी जगह पर, ठीक है, बाय बाय।